नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन प्लांट किंगडम की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि जो आपके क्रोनिक सेपरेटेड ओटाइटिस मीडिया मतलब कि जो कान से पीप निकलती है या कान में आवाज़ आती है, चक्कर आते हैं, टाइनेटिस आती है, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर पेशाब नली की सिकुड़न, कैटरेक्ट पे डिजोल्व तो नहीं करती लेकिन आगे नहीं बढ़ती, मोतियाबिंद को प्रोटेक्ट करके रखती है, तो इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, मैं वाईके गुप्ता आपके यूट्यूब चैनल HM4U Roorkee दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। चक्कर आना, चक्कर जो है बहुत सारे लोगों को चक्कर आते हैं, एक उम्र के बाद जो है चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कम सुनाई देने लगता है, डीफनेस जिसको बोलते हैं, कानों में जो है कुछ एक करके आवाज़ आने लगती है जिसको टाइनिटिस बोलते हैं, और साथ साथ बहरापन भी अगर रहे तो ये सब लक्षण होते हैं मीनियर्स डिजीज़ के। तो मीनियर डिजीज़ के लिए एक उत्तम दवा है जिसका नाम है थायोसिनेमिनम। सरसों के सीड से, मस्टर्ड सीड से या मस्टर्ड ऑयल में केमिकल रहता है जिसको बोलते हैं रोडालिन, रोडालिन से दवा बनती है, इसी से दवा बनती है जिसको बोलते हैं थायोसिनेमिनम। मीनियर डिजीज़ हेरिडिटी जो है, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में मीनियर डिजीज़ रहा है या कुछ उम्र के बाद 60 से 70 के बाद जो है कुछ लोगों के जो अंदर कान्स में जो है तीन बोन रहती है जिनको ऑक्सिकल्स बोलते हैं, तो हड्डी जो है वहाँ की हार्ड होने लगती है, तो जो बेसिक फ्लूड रहता है उसका फ्री मूवमेंट जो है कम हो जाता है, तो ऐसे केस को में जो है मीनियर डिजीज़ जो है हो जाता है। अनेक कारण है मीनियर डिजीज़ के, जैसे हेड इंजरी अगर हो गई हो कान के पास, अगर राइट या लेफ्ट साइड में जो है इंजरी हो गई हो तो जो भी है मीनियर डिजीज़ जो है शुरू हो सकता है ऐसे केस में, या कान की बहुत सारी पुरानी बीमारी है जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया CSOM जिसको बोलते हैं, जिसमें कान से पीप निकलती है, बदबू आती रहती है, या फिर मेस्टोडाइटिस हो जाता है, कान के हमेशा जो है पीछे में दर्द रहता है, वैक्स निकालने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ईयरबड से निकलता नहीं है, तो ऐसे केस में मीनियर डिजीज़ हो जाता है। और ऐसे केस में एलर्जी किसी को अगर हो, या फिर शराबी कोई हो, अल्कोहल बहुत सेवन करते हो, सबको तो नहीं लेकिन किसी किसी को ये जो है शुरू हो जाता है, स्ट्रेस, कुछ मेडिसिंस का साइड इफ़ेक्ट हो, फैमिली हिस्ट्री रहती है, तो जो है मीनियर डिजीज़ स्टार्ट हो जाता है सभी लोगों के अंदर। वायरल फीवर तो एक बार चला जाता है लेकिन उसके बाद कान के अंदर से आवाज़ आने लगती है, तो ऐसे कंडीशन के लिए भी थायोसिनेमिनम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसी दवा को जो है, ये एक ऐसी दवा है जो कि लो पोटेंसी में यूज़ करते हैं, तो अगर स्कार टिश्यू हैं, एक्ने पिंपल के स्कार हैं, ग्लैंड की साइज कम करने के लिए लो पोटेंसी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। आँखों के अंदर अगर मार लग गई तो यहाँ पर जो कॉर्निया रहता है, आँखों के अंदर जो ट्रांसपेरेंट एरिया रहता है वहाँ धब्बे पड़ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी, तो ऐसा करने के लिए इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, या तो फिर पूरा कॉर्निया को ऑपरेट किया जाए वो एक अलग बात है, पर कुछ लोग ऐसा करा नहीं सकते, या तो कहें पैसों की वजह से या कोई ऐसी कंडीशन है कि आप नहीं करा सकते, तो ऐसे केस को भी थायोसिनेमिनम जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, कॉर्नियल ओपेसिटी को जो है पूरी तरीके से ठीक करती है। कैटरेक्ट जो है, मोतियाबिंद जो है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, सर्जरी जो है बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो मोतियाबिंद को जो है ये डिजोल्व तो नहीं कर सकती लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ने देती। बहुत सारे लोगों को यूरिन में जो है पेशाब पास करने में यूरिन की नली जो है वो छोटी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर, या फिर लेटरिन की जगह जो है वो छोटी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं रेट्रल स्ट्रिक्चर, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। बार बार हम अब कैटरेक्ट वो तो लगा नहीं सकते, कैथेटर तो लगा नहीं सकते, तो ऐसे केस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है थायोसिनेमिनम। थायोसिनेमिनम को यहाँ पर आप 3x पोटेंसी में दिन में 4 गोली सुबह दोपहर शाम जो है चूसें, या फिर घोल के पानी में लें, कभी भी निगलना नहीं है टेचुरेशन टैबलेट को, तो ऐसे केस के लिए भी थायोसिनेमिनम जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। वर्टाइगो, टाइनेटिस और ओटाइटिस मीडिया जिसको हम पूरे को बोलते हैं मीनियर डिजीज़, ऐसे केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। चोट कहीं पर लग जाए और गांठ बन जाए तो ऐसे केस में भी थायोसिनेमिनम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इनलार्ज, कहीं के ग्लैंड इनलार्ज हो गए, साइज बढ़ गया, जैसे थायरॉयड बढ़ गई हो, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। कैटरेक्ट के लिए टिश्यू, अनवांटेड टिश्यू ग्रोथ जो है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ईयर ड्रम अगर हार्ड हो जाता है, डिफनेस आ जाती है, तो उसके लिए भी थायोसिनेमिनम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों, आपको थायोसिनेमिनम को 3x पोटेंसी में टैचुरेशन टैबलेट में अगर मिलती है तो 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम जो है आपको चूसनी है या पानी में घोल के लेनी है, निगलना नहीं है। और अगर ड्रॉप्स में मिलती है तो 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लेंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा
मीनियर्स डिजीज़ के लिए, क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, टाइनेटिस, वर्टिगो, और सबसे बड़ी चीज़ यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगी है प्रॉब्लम बुज़ुर्गों में। पेशाब नली की सिकुड़न अगर रहती है, कई बार उसमें जो है आपको स्टंट भी डाल देते हैं नली में पेशाब की, तो उसके बाद भी ये समस्या होने लगती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है उसको दबाइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है उसको दबाइए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।